वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की आवाम को बड़ा रिलीफ फ्राहम करते हुए 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारफीन को सोलर पैनल देने की मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आवाम को आसान इकसात और रियायती नरखों पर सोलर पैनल फ्राहम करने की मंजूरी दे दी और आवाम को सोलर पैनल की फ्राहमी के रोशन कराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास बुला लिया। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारफीन को सोलर के बगैर सूद कर्जा देने का फैसला किया गया है। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सारफीन को फ्राहम किए जाएंगे और सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल के आसान इकसात पर सारफीन को फ्राहम किए जाएंगे, जहां सर्दियों में सोलर पैनल की किस्त निस्बतन कम होगी और पैनल सिर्फ हुकूमत फ्राहम करेगी। सारिफ की जरूरत के मुताबिक सरकारी बिजली और सोलर पैनल से हासिल होने वाली बिजली के दरमियान शरह का तयन भी हो सकेगा और शफाफ तरीकाकार के मुताबिक पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। हुकूमत ने बिजली की लागत में इजाफे और तवानाई के बहरान के पेश नजर रोशन घराना प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे और माजी की तबाही के असरात से आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस अजम का इजहार किया कि हुकूमत के इकदाम की बदौलत 5 साल के बाद आवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा।